हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने पोको वाले मोबाइल में दोस्तों आप थीम सेटिंग को यूज़ करोगे और थीम को सेट या चेंज करोगे। दोस्तों अपने मोबाइल में आप थीम को चेंज करना चाहते हो, थीम को सेट करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है थीम सेटिंग को यूज़ करने के लिए, सबसे पहले दोस्तों आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। उनकी सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है आपके डिवाइस में। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर आपको वॉलपेपर या थीम पे किसी एक पे क्लिक कर लेना है। थीम पे भी क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट आप यहाँ पर दोस्तों, जो ऑनलाइन थीम वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, जो फ्री होंगी वही यूज़ कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। दोस्तों प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने थीम पर क्लिक कर लेना। दोस्तों आपके जो फ़ोन में थीम होगी जो पहले से डाउनलोड होगी भी आपके फ़ोन में वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है, और यहाँ पर आपके डिफ़ॉल्ट थीम भी अपने डिफ़ॉल्ट थीम को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मेरे फ़ोन में यहाँ पे कुछ थीम है, तो जैसे दोस्तों ये वाली थीम अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, मैं इसको अप्लाई करता हूँ अपने फ़ोन में दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कुछ ही सेकेंड बाद। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो मेरे फ़ोन की थीम है दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके से इंटरफेस करेगी आप। और दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे फ़ोन में जो दोस्तों आइकन स्टाइल दोस्तों ये भी चेंज हो चुके हैं थोड़े से थीम के वजह से। और अगर आपने स्क्रीन को लॉक कर दो दोस्तों यहाँ पर आते हो तो आपके पास एक नई थीम है, इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस करेगी। दोस्तों इस तरीके से अपने फ़ोन में थीम सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अपने फोन दोस्तों आप इस तरीके से अपने फ़ोन में थीम को लगा सकते हो, आपके फ़ोन में जो थीम होगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, डेट यहाँ पर शो हो रही है। और दोस्तों वापस से सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, वापस दोस्तों यहाँ पर थीम पे क्लिक करना, प्रोफाइल पे क्लिक करना। दोस्तों जो आपकी दूसरी थीम है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये नॉर्मल वाली थीम अगर किसी एक पे क्लिक करता हूँ, जिसके मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं इस नॉर्मल थीम को ईजिली यूज़ कर सकता हूँ, या फिर दोस्तों यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ, मैं इस वाले को यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन की MIUI थीम को। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस नॉर्मल मतलब डिफ़ॉल्ट थीम ही आप कह सकते हो एक तरह से। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों थीम चेंज हमारे फ़ोन में। दोस्तों आइकन स्टाइल यहाँ पे देख सकते हो इस तरह शो करेंगे, और लॉक स्क्रीन पे और होम स्क्रीन पे आपको इस तरह से ये थीम शो करेगी। वापस से चेंज करना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर आप सेटिंग पे क्लिक करना, थीम पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर अपने थीम को वापस से चेंज कर सकते हो। दोस्तों आपके पास कोई क्लॉक स्टाइल है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करो, अपने क्लॉक स्टाइल को यहाँ पर आके आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वाला पसंद है इस पर अप्लाई कर देना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपके लॉक स्क्रीन पर ये वाला क्लॉक स्टाइल शो हो जाएगा। स्क्रीन को लॉक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन में क्लॉक स्टाइल चेंज। दोस्तों इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो क्लॉक स्टाइल सेटिंग को अपने फ़ोन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जान से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो।